प्रियंका को सपा बसपा को डराने के लिए कांग्रेस का शिगुफा बताया नकवी। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद से प्रियंका गांधी व भाजपा नेताओं का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा बयान है अल्पसंख्यक कार्य के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का, जिन्होंने प्रियंका गांधी को एक शिगुफा करार दे डाला। उन्होंने कहा कि सपा बसपा गठबंधन को डराने के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी का शिगुफा छोड़ा है। अब असल में बसपा सपा के गठबंधन को डराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी जी का एक शगुफा छोड़ा है, और इसलिए जो है वो ये आपस की इनकी जो है वो उठा पटक है। इसमें किसी तरह का हमसे कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन से जनता बहुत खुश है, भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुलेगा। देखो असल में कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कांग्रेस जो है वो खुश फहमी में रहती है तो कहती जनता खुश है, इसलिए ये इनकी खुश फहमी गलत फहमी साबित होती। देखो भैया ये कांग्रेस पार्टी जो है वो खानदान और खानदान की पार्टी है। खानदान के लोग सिंहासन पर और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पानदान लिए शीर्षासन पर। तो खानदान और पानदान की पार्टी में कभी माँ कभी बेटा कभी बेटी कभी सास कभी बहू, यही जो है वो शो चलेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं। जहाँ तक सवाल है इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति पर कोई अंतर पड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पार्टी जो है वो उनकी प्रॉपर्टी है और उस पार्टी की प्रॉपर्टी के का परिवार जो है वो प्रोपराइटर है, तो इसलिए वो प्रोपराइटर जो है वो अपने प्रॉपर्टी में किसको रखता है किसको नहीं रखता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन चुनाव जब आता है तो बहुत से बरसाती मेंढक दिखाई पड़ते हैं और उन बरसाती मेंढकों में अलग अलग तरह के रूप रंग वाले लोग होते हैं, इसलिए इसके आधार पर जनता किसी भी तरह से प्रभावित होने वाली है, जनता पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि हम चुनाव मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 5 सालों के परिश्रम 5 सालों के प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस के आधार पर जनता के बीच में उनका लेखा जोखा लेकर जाएंगे।